गलियानी। मम्मी आ गई। की गल है? मन की बच्चों को क्या की इधर ये सही किया तूने, वही जाके थोड़ा रोन कर उनके लगा दे, फिर से करते हैं आवाज तेज। केड़ा केड़ा केस केस आ केस आ केस आ चतिल जी दा केस। हां वो तो फेस है कितने सैड जी। हां हां सो सो के गांदे ने ओ की करदे पे ओ की। हां सारे इदा गांदे ने सो सो के उठे ने। लोरी हां तो लोरी सुनांदे ने एक दूजे नु। नहीं डैडी इदा नहीं करते, डैडी करके दिखायो। और बीबी किदा करती? बीबी 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 भाजी थोड़ा व्याह तुहानू किदा लग रहा है? खुशी बहुत हो रही तो मैं हुण लगान लगी हां मेहंदी। बहुत ही मुश्किल ना दीदी आई है। अपनी मर्जी लाणगे ते बोवी तू तू भी लिखवाना अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। दिल ते लिखा, दिल ते मैं चल गई अपनी फिंगर्स पे वो भी ऐसे लिखवाई है। एक दो सुनो, ऐसे फिंगर्स पे लिखवा इधर। एल ओ बी ई लव एस पी ई एस ई बीमार लग रहा है।
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਗਲਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਜਸਮੀਨ ਮੈਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਦੇ ਆਈ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ तो मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे सीधा आई कॉलेज से लहंगा उठाने के लिए और लहंगा का अभी तक पता नहीं है कुछ या ये था ना मेरा लहंगा ये इसके नीचे पड़ा है ना आए ना घाघरा तो है बट चोली सिलवाने गई हुई है ठीक होने गई है और ये मेरा लहंगा है फुल लुक आपको जल्दी दिख जाएगी क्योंकि कल ही पहनना है सबके लहंगे रेडी सब कुछ रेडी है सबका सूट मेरा कुछ रेडी नहीं है जो मैंने डीजे वाले में पहनना था रात को जागो वाले दिन के लिए वो मेरा सूट ही कहीं गायब हो गया है मुझे पता ही नहीं चला कहाँ मैंने रख दिया अब उसकी जगह एक अल्टरनेटिव के लिए रखा था अब वो मैं पहनूंगी जब घर में शादी हो तो स्कूटी सबसे ज्यादा काम में आती है और क्योंकि पहले गाड़ी में आना था जब बॉबी लोग पहले गाड़ी में आए थे और मैं कॉलेज से आई थी तो बॉबी बता रहे कि ना हमें पूरा आधे से ज्यादा घंटा लग गया ट्रैफिक में फंसे तो मैंने कहा भाई तू स्कूटी लेके आ फिर कहता कि मैं स्कूटी लेके आता हूँ तो हम लोग अब स्कूटी में जा रहे हैं इसका पेंटकोट उठा लिया मेरा लहंगा उठा लिया लहंगा मैंने घर पे रख लिया हम लोग फटाफट सारे अब आपको नहीं पता होगा कि न्योंद्रा क्या होता है न्योंद्रा ये होता है कि सारे रिलेटिव्स मिलके मतलब अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं और वो लिख लेते हैं और ये पूर्वजों के मतलब ऐसे ही चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है मैं आपको अच्छे से बाद में बताऊंगी डिटेल में तो गाइस मैं सबसे ज्यादा लेट हूँ मैं और बोवी हम एक्चुअली मेरा कॉलेज का सीन रहा और बोवी का सारा है कि बोवी यहाँ का सारा संभाल रहा था सारा शादी वादी का और हम जैसे भी तैयार होने जैस्मिनों के घर पे आए हैं तभी वहां से फोन भी आने लगे कि भाई तुम्हारे लिए रुके हैं जागो निकालनी है ये करना हमने कहा यार रुको तो सही हम रेडी तो होके आए और अभी हम लोग फटाफट हम लोग को हेयर स्टाइल कुछ नहीं पता लग रहा और मैं आई थिंक मैं कुछ भी नहीं करने वाली हेयर स्टाइल में मैं क्या करूं मेरी कुछ आउटफिट ऐसी है क्योंकि जागो वाली देने से साथ मैंने हील भी लेके आई हूँ और पंजाबी जुत्ती भी लेके आई हूँ पर मैं पहनूंगी पंजाबी जुत्ती पावांगी भंगड़ा शादी वाला दिन यस और आज हम लोग फिर से लेट है हमारे परिवार पे एक ये टैबो लग चुका है कि हम लोग हमेशा लेट करते हैं और हाँ वो लोग सही भी होते हैं हम लोग हमेशा लेट हो जाते हैं आज वैसे तो सबसे लास्ट में डैडी चल रहे थे लेकिन करते करते मैं ही लास्ट में हो गई मेरी चुन्नी सेट नहीं हो रही थी फिर कभी कहते हैं कुछ नहीं हो रहा था कभी कुछ नहीं हो रहा था बट एट दी एंड अभी हम लोग जा रहे हैं तो मैंने अभी तक हील्स भी नहीं पहनी मैं जाके पहनूंगी मैंने स्लीपर्स पहन ली है ना हाँ जी लाइक है ये
सो कुछ ऐसा मैंने लहंगा पहना है और ये मेकअप मैंने खुद किया है, हेयर भी मैंने कर्ल करवाए थे बस, और बाकी तो ये चलो ये तो खुद ही किया है सारा कुछ। ये बैठी है हमारी जोड़ी, मम्मी का मेकअप भी मैंने किया है, सुंदर हुआ ना। हाँ हेयर स्टाइल आंटी ने किया और हमारे डैडी तो चलो हमेशा डैशिंग लगती ही है। डैडी चढ़ गए हो तो डैडी हवा में बिल्कुल ही। अभी हमें बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट ही लगने ने, 10 मिनट ही लगने हैं घर पहुंचने में। वहां पे सहरा बंदी भी हो चुकी है। मैं उस फोटो में नहीं हूँ जितने सारिया भेन और सहरा बंदियां पिया ने, मैं वो फोटो तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। किरण बताओ कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। कॉल्ड वरिया सेरेमनी, इसमें हम लोग जो लड़के वाले जो भी लड़की के लिए खरीदते हैं तो वो चीज दिखाई जाती है। सो यू कैन सी कि सारी यहाँ पे लेडीज गैंग इकट्ठा हो जाती है और बैठ जाती है और सारी गलियां देखती है। किरण हो तू भी आकर आला प्लीज, फिर तू इतना फोटो शूट कराई, कुछ नहीं करना। उसे दुल्हन की फोटो शूट होता पे ते इत दूल्हा, दूल्हा कितने, दूल्हे तो अपने फोटो शूट चलता पे यारा दे नाल बहारा ने। सारे नु हाय कह दो, हाय ए साडी भाभी है, नवी भाभी। इन्ना टाइम अजय सुख है।